हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कुलवंत सिंह। आज हम पढ़ेंगे थर्ड क्लास के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जो कि है प्लेइंग विद इमेज इन पेंट। तो आज हम इमेज जो है कैसे कट करते हैं पेंट के अंदर, रोटेट कैसे करते हैं, सेलेक्ट कैसे करते हैं, वो सारा आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आपको आज हम वीडियो पे लाइव करके दिखाएंगे कि आपको किस तरह से इसका यूज करना है। तो यहाँ पे हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ से हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम पे जाना है, और यहाँ से हमें एक्यूरेसीज पे जाना है, सॉरी एसेसरीज पे जाना है, और यहाँ से हमें पेंट पे क्लिक कर देना है। तो ये पेंट हमारा जो है बॉक्स इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप इस पॉइंट से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये पॉइंट दे रखा है आपको, आप इससे इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, जहाँ तक आपने इसका साइज को लेना है उसके अकॉर्डिंग आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो करते हैं शुरू। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एक पिक्चर को ओपन कर लेना है। ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है हमारी, कंट्रोल प्लस क्या है, कंट्रोल प्लस ओ। तो हमने क्या कर रहा है, माउस से सॉरी कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ओ करेंगे तो हमारे पास इस तरह की कुछ इमेजेस ओपन हो जाएंगी, जिसके अंदर हमने कोई एक इमेज ले लेनी है। सैंपल पिक्चर हम बोलते हैं उसको, कोई भी सैंपल पिक्चर यहां से हम जैसे ले लेते हैं। तो हमने एक सैंपल पिक्चर यहां से फोटो को जो है कंट्रोल हो करके ओपन कर लेंगे। तो हमने एक सैंपल जो है वो पिक्चर का वो यहाँ पे ओपन कर लिया है। क्लियर है सभी को? तो हमने यहाँ पे अभी क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से सीखना है रेक्टेंगुलर के बारे में, सेलेक्ट करने के बारे में। सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको शो हो रहा है रेक्टेंगुलर। जैसे रेक्टेंगुलर पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए मुझे इस ट्री को यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो वो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। क्लियर है? थर्ड ऑप्शन देखिए, आप इसको सेलेक्ट हो चुका है, आप इसको उठा भी सकते हैं कहीं पे भी। तो ये पिक्चर हमारी जो है सेलेक्ट हो चुकी है। क्लियर है सभी को? ये मैटर था हमारा सेलेक्ट करने का। रेक्टेंगुलर पे जाएंगे और किसी भी पिक्चर को हम यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए भी कर सकते हो, तो पूरा जो पिक्चर है हमारा, जो पैटर्न है पूरा, वो सिलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल ए करने से। क्लियर है सभी को? तो ये हमने कंट्रोल ए किया तो हमारा पूरा पिक्चर जो है सिलेक्ट हो गया। दूसरी बात मैंने अभी आपको बताई, सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कहीं पे भी उठा के रख सकते हैं। क्लियर है? ये तो था हमारे पास सेलेक्ट करने के लिए और क्रॉप करने के लिए। इसके अलावा वापस से चलते हैं, आप यहां देख रहे हैं रीसाइज। अब मेरी पिक्चर जो है ये बहुत बड़ी है, मुझे इसको रीसाइज करना है। रीसाइज के लिए हम क्या करेंगे, यहां से इसका जो साइज है वो कम कर देंगे। मान लीजिए मेरे पास 100 शो हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ से 40 कर दूंगा, तो वो है रीसाइज हो गई है हमारी पिक्चर जो है ये इस तरह से। हमने क्या किया, दोबारा से देखते हैं एक बार, रोटेट पे गए, सॉरी रीसाइज पे गए, रीसाइज पे हमने इसका जो साइज है वो 100 से 50 कर दिया, तो ये हमारी पिक्चर जो है रीसाइज हो चुकी है, मतलब साइज इसका जो है छोटा हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा मैं पिक्चर को हटा देता हूं अभी,
पिक्चर को हमने हटा देना है अभी, वापिस से इसको इतना ही पेज को बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको ये देखिए शेप दे रखी है, अलग अलग शेप दे रखी है, आप कोई भी शेप इसमें यूज कर सकते हो। मान लीजिए मैंने शेप यूज की यहाँ से, और यूज करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से इसके अंदर कलर फिल कर दिया, जैसे कि ये वाला। मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से फॉर एग्जांपल। अब कट करने के बाद रीसाइज तो हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पे नीचे देखिए आप, हम इसको स्किप कर सकते हैं किसी भी डिग्री पे। जैसे मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लिया है 30, और मैंने इसको स्किप कर दिया। ये देखिए चेंज हो चुका है, ये मतलब अपने जिस पोजीशन में था वो डिग्री के एंगल पर चेंज हो चुका है। क्लियर है, पहले इस एंगल पे था ये, मैंने जैसे ही इसको रोटेट किया मतलब, तो ये इस तरह से रोटेट हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से हमारे पास नीचे ऑप्शन दे रखा है हमारे पास। अब मैं इसको थोड़ा सही कर लेते हैं यहाँ से वापस से, और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है रोटेट, जिस भी एंगल पे आप इसको रोटेट करना चाहो उसी एंगल पे आप इसको रोटेट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में। तो मैंने इसको 190 डिग्री दोबारा से सही करके आपको दिखा दिया है। अब हमने क्या करना है, मान लीजिए मुझे सेलेक्ट करके इसको 3-4 इसके और पैटर्न सेम बनाने हैं। मैं इसको दोबारा से आपको एक रोटेट कर दिया, सेलेक्ट करेंगे इसको। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी, आप देखेंगे इसकी कॉपी पेस्ट हो जाएगी कई बार, जितना आपको चाहिए। मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देता हूँ, तो ये पेस्ट होते रहेंगे। आप देखें यहाँ पे जितने आपको चाहिए आप यहाँ से उठा सकते हो पेस्ट करके इस तरह से। तो सभी को क्लियर है, तो इस तरह से हम इसकी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है सभी को, हमने इस तरह से इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। सभी को समझ में आ गया हमने क्या किया, जैसे फाइल विद कलर पे कोई भी एक शेप को ड्रॉ किया है, उसके अंदर कोई भी कलर फिलअप कर देंगे, और फिलअप करने के बाद जिस शेप में उसको यहां से हम फ्रीडम में कट करेंगे उसी शेप में वो वहां से कट हो जाएगा, और यहाँ पे उसी शेप में वो शो करके दिखाएगा आपको। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक पैटर्न कट करके बता रहा हूँ आपको, अब ये उसी शेप में कट हो गया देखो। तो ये तो था हमारे पास इमेज के साथ हमने जो वर्क किया है पेंट के अंदर, और हमने रोटेट के बारे में सीखा है, कंट्रोल के बारे में। अब मैं आपको कट के बारे में भी यहाँ से बता देता हूँ। जैसे जिस पैटर्न को आप सेलेक्ट करेंगे, जिसको कट करना है, तो आप यहाँ से कट कर सकते हैं। जितना एरिया आपने कट करना है तो आप यहाँ से कट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट मैंने आपको बता दिया है किस तरह से होगा। तो ये तो था हमारे पास आज के बारे में, इमेज के बारे में जो हमने पेंट के अंदर पढ़ा है। तो ये वीडियो यहीं लगती। ओके, थैंक यू।